बात उत्तराखंड की करेंगे, जहां रुद्रपुर के एक होटल में श्रमजीवी पत्रकार यूनियन उधम सिंह नगर द्वारा आयोजित प्रदेश कार्य समिति में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य के परिवहन एवं समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य के साथ ही भाजपा विधायक राजकुमार ठुकराल और राज्य आवास सहकारी संघ के अध्यक्ष उपेंद्र चौधरी, सितारगंज के भाजपा विधायक सौरभ बहुगुणा के प्रतिभाग किया। प्रदेश कार्य समिति की अध्यक्षता परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने की। इस कार्यक्रम में श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के महामंत्री विश्वजीत सिंह नेगी और प्रदेश सचिव पूरन रावत पत्रकारों की समस्या से परिवहन मंत्री को अवगत कराया। इस सम्मेलन में पत्रकारों के ऊपर हो रहे उत्पीड़न को भी चर्चा करते हुए पत्रकारों पर दर्ज होने वाले फर्जी मुकदमों के लिए निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। कार्यक्रम में श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के जिलाध्यक्ष राजीव चावला ने कार्यक्रम का संचालन किया। पत्रकारों के सम्मेलन में पत्रकारों ने शासन का प्रतिनिधित्व कर रहे परिवहन मंत्री यशपाल आर्य के समक्ष पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पत्रकारों के साथ की जाने वाली स्वाधीनता पर भी विस्तृत चर्चा की। कार्यक्रम में परिवहन मंत्री यशपाल आर्य और विधायक राजकुमार ठुकराल और भाजपा विधायक सौरभ बहुगुणा ने पत्रकारों के उत्साहवर्धन करते हुए पत्रकारों की सभी समस्याओं के निदान का आश्वासन दिया। इस सम्मेलन में सभी पत्रकारों ने परिवहन मंत्री यशपाल आर्य से दिवंगत मान्यता प्राप्त पत्रकार श्याम स्वरूप पाल राज्य सरकार से आर्थिक सहायता दिलवाने की मांग भी की। देखिए, आज उत्तराखंड हमारी प्रदेश कार्य समिति थी, इसमें विभिन्न विषयों पर हमारे पदाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है। इस रूप से पत्रकारिता 14 स्तंभ है, और एक सजा प्रहरी के रूप में उन्होंने अपने दायित्व का हमेशा निर्वहन किया है। हमारी जिम्मेदारी है दायित्व सरकार की जो भी समस्याएँ तकलीफ है उसका काम का समाधान हमारी पत्रकारिता में हमारी संस्था को उसी रूप से जो भी पत्रकारों की समस्याएँ वो आज मुख्य बिंदु थे एक ज्ञापन के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है। उस पर विचार भी होगा, बाकी से समय लेकर उनके साथ बात करनी जाएगी और उन दूसरों पर चर्चा होगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए समाचार इंडिया के साथ, खबर से लेकर असर तक।